न्यूज़ नंबर देख रहे सभी दर्शकों का मैं शाइना शर्मा स्वागत करती हूँ। वैसे एक समय था जब कंगना दिलजीत दोसांझ की तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। 23 जुलाई 2017 को भी ट्विटर पर एक ट्वीट काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें कंगना ने पंजाब के कलाकार दिलजीत दोसांझ की जमकर तारीफ की थी और उन्हें बेस्ट एक्टर बताया था। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि वही कंगना ट्विटर पर दिलजीत के साथ एक अलग ही जंग छेड़ कर बैठी है? क्या हुआ इन दोनों के बीच, चलिए जानते हैं। दरअसल दोनों के बीच ये झगड़ा किसान आंदोलन के एक फेक ट्वीट को लेकर शुरू हुआ था। कंगना ने बुजुर्ग किसान दादी को बिल्किस बानो बताते हुए मजाक उड़ाया था। इस पर दिलजीत और कंगना के बीच ट्विटर वार तेज हो गया और इतना बढ़ गया कि कंगना ने दिलजीत को करण जौहर का पालतू तक कह दिया। इस ट्वीट पर दिलजीत ने कंगना को जवाब देते हुए कहा कि तूने जितने लोगों के साथ फिल्म की है, क्या तू उन सबकी पालतू है? फिर तो लिस्ट लंबी हो जाएगी मालिकों की। ये बॉलीवुड वाले नहीं, पंजाब वाले हैं। झूठ बोलकर लोगों को भड़काना और इमोशन से खेलना आप अच्छे से जानती हो। बस फिर क्या था, एक दूसरे पर दोनों कलाकार जमकर बरसे। कंगना ने दिलजीत को इस पर जवाब दिया, ओ चमचे चल तू, जिनकी चाट चाट के काम लेता है मैं उनकी रोज बजाती हूँ। ज़्यादा मत उछल, मैं कंगना रनौत हूँ, तेरे जैसी चमची नहीं जो झूठ बोलूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ शाहीन बाग वाली प्रोटेस्टर पर कमेंट किया है, अगर कोई गलत साबित कर दे तो माफ़ी मांग लूँगी। इस पर दिलजीत कहाँ चुप रहने वाले थे, उन्होंने पंजाबी में इस पर ट्वीट करते हुए कहा, ए जा कम मैं हुंदा नहीं करदा, तूने कितनों की चाटी है काम के लिए, मैं बॉलीवुड में स्ट्रगल नहीं करता मैडम। बॉलीवुड वाले आके कहंदे आ फिल्म कर लो सर, मैं तुहानूं दस रहा ए बॉलीवुड वाले नहीं पंजाब वाले हैं, दो दियाँ चार नहीं 36 सुनेंगी। इसके बाद दिलजीत ने एक और ट्वीट किया और कहा, बोलन दी तमीज नहीं तेनू, किसी की माँ भैन नू औरत होके दूजिया नू तू 100-100 रुपीज वाली दस दिए, साडे पंजाब दिया मावां साडे लई रब वर्गियां ने, ए तां भुंडा दे खक्कर नू छेड़ लिया तू, पंजाबी गूगल कर ली। इसके बाद भी इनकी लड़ाई नहीं रुकी और लड़ाई में दोनों ने सारी हदें पार कर दी। जब कंगना पर दिलजीत दोसांझ भारी पड़ने लगे तो इस बीच ऋतिक रोशन ने भी दोनों की लड़ाई में चुटकी लेते हुए कहा, सरदार जी मोहब्बत हो गई है आपसे, पापा से कहकर सुपर किंग और क्रश का क्रॉसओवर करवाएंगे। वहीं पंजाबी कलाकार ने भी दिलजीत दोसांझ का जमकर सपोर्ट किया। अगर वैसे देखा जाए तो हर बार कंगना अपने किए गए ट्वीट को लेकर विवादों में आ जाती है और बाद में जब लोग उनकी बेइज्जती करनी शुरू कर देते हैं तो उन्हें फिर डिलीट कर देती है। अगर कंगना को अपना ट्वीट डरकर डिलीट ही करना होता है तो समझ में नहीं आता कंगना ऐसे ट्वीट करती ही क्यों है। कई बार तो ऐसा लगता है मानो सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए कंगना बेतुकी बातें करती रहती हैं। वैसे वो खुद भी बोलती हैं कि कंट्रोवर्सी करना मेरा रोज का काम हो गया है, मैं ढीठ हो चुकी हूँ। कंगना और दिलजीत के बीच का ट्विटर विवाद गुरुवार को शांत हो चुका था, लेकिन दोनों के फैंस ट्विटर पर दिलजीत वीएस कंगना ट्रेंड करा रहे हैं। कंगना के फॉलोअर्स उनके स्पोर्ट में मीम बना रहे हैं और दिलजीत के फॉलोअर्स उनके स्पोर्ट में मीम्स बना रहे हैं, और साथ ही कंगना के लिए तो लोगों ने फनी वीडियो तक बनाना शुरू कर दिया। यार ये दिलजीत ने फिर रिप्लाई कर दिया, फिर से पंजाबी में लिखा है, तू जरा गूगल ट्रांसलेट करके बता, और तू वो मेरी पंजाबी तो हिंदी वाले डिक्शनरी लेकर आ, मैं भी तो देखूं क्या लिखा है। और तू रूबी कौर को कॉल लगा, अरे उसके इतने वन लाइनर पोएम हमने इंटरनेट पे शेयर किए हैं, कभी तो उसके पंजाबी होने का फायदा उठाओ। अब कई लोगों द्वारा कंगना रनौत को बिल्किस बानो को गलत तरीके से पेश करने के लिए कानूनी नोटिस भेज दिया गया और किसानों के विरोध से संबंधित उनके अब डिलीट किए गए ट्वीट पर उनसे माफी मांगने की मांग की जा रही है।